फ्रेंड्स, MTAR टेक्नोलॉजी के शेयर के ऊपर बाजार बंद हो जाने के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रेस रिलीज निकल कर आ रही है, और इसके साथ साथ अभी थोड़े दिन पहले इसको एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला था। तो इन दोनों बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो कल हमें इस न्यूज़ की वजह से अच्छी खासी इस शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। और दूसरा, आप यहाँ देख सकते हो अभी ये शेयर 1400 रुपये के आसपास के लेवल पर ट्रेड करें। और फ्रेंड्स, जब इसने पहले क्वार्टर के नतीजे पेश किए तो वो नतीजे बाज़ार को पसंद नहीं आए थे, तो उस वक्त इस शेयर में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। मगर अभी जो इसको नया ऑर्डर मिला, इसी वजह से हमें वापस रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही। तो ओवरऑल यहाँ पर न्यूज़ की बात करें तो नेटकैप नाम का सर्टिफिकेट MTAR टेक्नोलॉजी को मिला है, और ये सर्टिफिकेट की वजह से कंपनी का ऐसा कहना कि जो अभी उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर है वहाँ से उसको अगले आने वाले दिनों में अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं और उसका क्लाइंट बेस बढ़ सकता है। क्योंकि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के लिए इसको सर्टिफिकेट मिला। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, अगले आने वाले दिनों में डेफिनेटली इस सर्टिफिकेट का इसको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। उसके अलावा इसको काफ़ी अच्छे ऑर्डर भी मिले हुए हैं। तो इन सभी बातों को हम ध्यान में रखें तो इस शेयर में अगले आने वाले दिनों में अच्छी खासी तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है, लगभग 1550 रुपये तक।